बाबा बागेश्वर धाम के दरबार से खाली हाथ नहीं लौटे कुलदीप यादव, खतरनाक फॉर्म में वापसी के साथ किया बड़ा कारनामा। जी हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका सुपर फोर में आमना सामना हुआ। इस मुकाबले में श्रीलंका ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत की विशाल बल्लेबाजी को 213 रनों पर ढेर कर दिया। इस मुकाबले में भले विराट कोहली और सुमन गिल जैसे दिग्गज बल्लेबाजों ने निराश किया हो, लेकिन लंबे समय बाद मैदान पर वापसी कर रहे कुलदीप यादव ने अपने प्रदर्शन से चार चांद लगा दिए। भारत 213 रनों को डिफेंड करते हुए मेजबान टीम श्रीलंका को 172 रनों पर ही ढेर कर दिया, जिसमें चाइना मैन के नाम से मशहूर कुलदीप यादव ने चार विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पंजा खोला था। सोशल मीडिया पर उनकी एक फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह बाबा बागेश्वर धाम के दरबार हाजिरी लगाने पहुंचे थे। उसके बाद से वह जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया के बाएं हाथ स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में हैं। उन्होंने एशिया कप में बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से चकमा देने का काम किया है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की थी। पाकिस्तान को 128 रनों पर ढेर करने का पूरा श्रेय कुलदीप यादव को जाता है। उन्होंने 8 ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए 25 देकर 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी। आपको बता दें कि उन्होंने फखर जमान, इख्तियार अहमद, सलमान आगा, सादाब खान, फहीम अशरफ जैसे बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जान में फंसा लिया। वहीं श्रीलंका के खिलाफ 213 रनों को डिफेंड करने में कुलदीप यादव ने अहम भूमिका निभाई। इस मैच में यादव ने चार विकेट अपने नाम किए। एशिया कप में कुलदीप अभी तक चार मैच खेले हैं, जिनमें 9 विकेट अपने नाम पर दर्ज करवा लिए हैं। वह एशिया कप में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में पहले स्थान पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि एक समय था कि कुलदीप यादव को टीम इंडिया में वापसी करने के लिए लाले पड़े हुए थे, लेकिन इस खिलाड़ी ने हार नहीं मानी और पूरी जी जान मैदान पर पसीना बहाते रहे। कुलदीप यादव एक भारतीय टीम के खिलाड़ी के होने के साथ साथ अपने धर्म में गहरी आस्था भी रखते हैं और हर खिलाड़ी अपने धर्म और मजहब का पूरा एहतराम करना चाहते हैं। कुछ महीने पहले ही सोशल मीडिया पर कुलदीप यादव की कुछ तस्वीर काफी वायरल हो रही थी, जिसमें बाबा बागेश्वर धाम के दरबार पर हाजिरी लगाने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बजरंगबली के सच्चे भक्त धीरेन्द्र शास्त्री से भी मुलाकात की थी। फोटो में देखा जा सकता है कि स्पिनर धीरेन्द्र शास्त्री के सामने हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि उनकी इस फोटो को उनके मौजूदा फॉर्म से जोड़ा जा रहा है। कुछ क्रिकेट फैंस का मानना है कि बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में जाने के बाद कुलदीप यादव अपनी पुरानी लय में नजर आ रहे हैं। वह क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपना शिकार बना रहे हैं। अगर कुलदीप यादव इसी फॉर्म में रहे तो भारत को एशिया कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता है।